हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिवन। उसके बाद नेक्स्ट है निर्मितवाद। तो जहाँ पर निर्मितवाद यानी कि किसी चीज़ के बनाने की बात की गई है, तो जहाँ हम थ्योरी किसकी पढ़ रहे हैं, अधिगम की पढ़ रहे हैं, सीखने की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अधिगम का जो निर्मितवाद जो सिद्धांत है वो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया। तो जहाँ पर पियाजे का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है, उसके बाद ब्रूनर और वाइगोस्की का आता है। तो इनकी विचारधारा पर आधारित है ये सिद्धांत निर्मितवाद। पियाजे जो है जो क्या कहते हैं कि जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। जो बच्चा है, बालक जो है, चाहे वो व्यक्ति है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, ब्रूनर और वाइगोस्की ये सामाजिक निर्मितवाद की बात करते हैं। प्याजे जो है किसकी बात करते हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद की। ब्रूनर और वाइगोस्की जो है जो कि समाज को इम्पोर्टेंट देते हैं, ये कहते हैं कि जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, वो समाज में रहकर जो है ज्ञान का निर्माण करता है। ब्रूनर जो कि डिस्कवरी लर्निंग का जो है कंसेप्ट देते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे को खोज करने दो। बच्चा यदि किसी भी चीज़ की खोज करता है तो वह सीखता है, अधिगम करता है। यदि उसको थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाए तो और भी जल्दी से वो सीख जाएगा। ठीक है, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो सीधे समाज में आकर ही उससे सीखता है। समाज में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसी से वो जो है कोई कोई भी चीज़ जो है वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब एक छोटा बच्चा जो है वो कुछ बोल रहा होता है, जो बड़बड़ा रहा होता है, तब भी वह कुछ सीख रहा होता है, वो खुद को जो है दिशा दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पियाजे जो कि किसकी बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद की, और ब्रूनर और वाइगोस्की ये किसकी बात करते हैं, सामाजिक निर्मितवाद की बात करते हैं। और ब्रूनर जिन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट दिया, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये जो निर्मितवाद सिद्धांत है, तो इसके अंतर्गत बालक जो है स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण और संरचना करता है, चाहे वो समाज में रहकर कर रहा है या वो खुद कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवाद का प्रयोग में लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, J.S. ब्रूनर को जाता है। तो जो ब्रूनर है इन्होंने ये भी कहा कि जो भी अधिगम करता है या जो बच्चा है वो लगातार सीखता है, कंटिन्यू सीखता है। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं आता है। यानी जब छोटा सा बालक होता है, मान लीजिए कि 2 साल तक का जो बालक होता है, तो वो कैसे सीखता है, वो सीखता है मूवमेंट के द्वारा, एक्शन के द्वारा। ठीक है, जो भी मूवमेंट सामने वाले का देखता है तो उसके द्वारा वो ऐसा ही मूवमेंट करना सीख जाता है। तो यहाँ पर जो है जो भी क्रियाएं करता है वो, तो वो एक्टिंग जो दिखाई दे रहा होता है उसको, मूवमेंट एक्शन, उसके द्वारा वो सीख जाता है। उसके बाद जब 2 साल से ज़्यादा जब बड़ा होता है, 6 साल तक, तो वह किसी भी चीज़ को जो है देखकर सीखता है। ठीक है, उसके माइंड में जो है उस चीज़ की इमेज बना लेता है, पिक्चर बना लेता है या मॉडल बना लेता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो जो सिंबल होते हैं उनके थ्रू जो है वो सीखता है। ठीक है, तो सिंबल जैसे कि किसी भी चीज़ का यदि मार्क मिल जाए, सिंबल मिल जाए, या फिर इस तरीके का जो है वो एरो भी जो है एक सिंबल का काम करता है, जो ये बताता है कि हमें इस साइड जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रूनर ये कहते हैं कि सीखना जो है वो लगातार होता है, बीच में ब्रेक नहीं आता है, बस स्थितियां जो है वो बदलती रहती हैं। पहले छोटा बच्चा जो है वो मूवमेंट एक्शन के द्वारा सीखता है, फिर वो इमेज पिक्चर मॉडल के द्वारा सीखता है, और उसके बाद जो है वो सिंबल के थ्रू सीख जाता है। ब्रूनर का मानना है कि बालक या अधिगमकर्ता स्वयं अपने वातावरण से सक्रिय रूप से सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा स्वयं के अनुभव के आधार पर ही अधिगम करते हैं। स्वयं के अनुभव के आधार पर, यानी कि वो खुद खोज करता है, खोज करके वो सीखता है। उसके अनुसार स्थायी अधिगम हेतु ज्ञान की संरचना जो है वह करना आवश्यक है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्या कहते हैं कि यदि स्थायी अधिगम होना है, यानी कि ऐसी चीज सीखी जाए जो स्थायी हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ज्ञान की संरचना। ठीक है, यदि इसे अच्छे तरीके से यानी पूर्णतः व्यवस्थित रूप से भंडारित नहीं किया जाता है तो ज्ञान की स्मृति में विलोपित हो जाने की संभावना जो है वह हो जाती है। तो इसीलिए ज्ञान की संरचना जो है करना आवश्यक है, यदि हमें किसी भी चीज को स्थायी तौर पर सीखना है। संरचनात्मक अधिगम हेतु अभिप्रेरणा जो है वह आवश्यक होती है।
निर्मितवाद के देखिए दो प्रकार माने जाते हैं, एक तो संज्ञानवादी निर्मितवाद जिसकी मैंने बात बताई, जो है प्याजे जो हैं वो आते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊपर। प्याजे के अनुसार अधिगमकर्ता जो है वो व्यक्तिगत रूप से यानी खुद वह ज्ञान जो है प्राप्त करता है, ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद करता है अधिगमकर्ता। ठीक है, समाज में समाज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो जो है खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसके बाद समाज में उस चीज को लेकर आता है जो भी उसने सीखा होता है। सेकंड जो है सामाजिक निर्मितवाद, इसकी बात वायगोस्की और ब्रूनर कहते हैं। ये कहते हैं जो भी कुछ सीखता है वो समाज से ही सीखता है। ठीक है, तो इनके अनुसार यद्यपि अधिगमकर्ता स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान की संरचना करता है, लेकिन उसके सामाजिक वातावरण की भूमिका जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। ये प्याजे के इस चीज को नहीं नकारते हैं कि जो है स्वयं ज्ञान का निर्माण जो है वो अधिगमकर्ता करता है, बल्कि इसके साथ ये एक लाइन और कहते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक वातावरण की जो भूमिका है वो सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्रूनर ने खोज अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग के संप्रत्यय को विकसित किया। कौन सा कंसेप्ट दिया? डिस्कवरी लर्निंग, खोज के द्वारा सीखना। उनके अनुसार प्रत्येक अधिगमकर्ता को यह सीखना होता है कि सीखना कैसे है, कैसे सीख सकते हैं। तो निर्मितवाद के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो केंद्र है, तो ये सिद्धांत जो है आधुनिक है। तो यहाँ पर केंद्र में जो है किसको रखा गया है? बालक या छात्र को रखा गया है। इसी बालक या छात्र के अकॉर्डिंग जो है जो विधियां हैं वो तैयार की जाती हैं। छात्र केंद्रित विधियों पर ही यहाँ बल दिया जाता है। पूर्व अनुभवों तथा पूर्व से संगठित ज्ञान जो है, इसके ज्ञान को नवीन ज्ञान का आधार जो बनाया जाना चाहिए, यानी बच्चे के जो पूर्व अनुभव हैं उसको आधार मान के नवीन ज्ञान जो है उसको दिया जाना चाहिए। शिक्षण की पारंपरिक विधियों यानी जो पहले के जो अध्यापक थे उनका जो मानना क्या होता था कि बच्चा जो है जो भी ग्रहण करके आया है पहले से, जो भी उसका ज्ञान है अनुभव पहले के हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, हम जो ज्ञान देंगे वो ग्रहण करो। लेकिन जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, जो कि निर्मितवाद पर बल देते हैं, वो ये कहते हैं कि पूर्व अनुभव जो है उनको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, उनके आधार पर ही जो है नवीन ज्ञान दिया जाना चाहिए। शिक्षण की पारंपरिक विधियों जो कि सामान्यतः शिक्षक केंद्रित तो होती हैं, जो पुरानी विधियां हैं वो कैसी होती थी? शिक्षक केंद्रित, शिक्षक जो है वो अपने आप को ध्यान में रख कर विधियों का प्रयोग करता था। जबकि इसकी तुलना में शिक्षण की जो नवीन विधियां हैं जो कि कैसी हैं, छात्र केंद्रित हैं, छात्र को ध्यान में रख के, छात्र की रुचि को ध्यान में रख के, अभिवृत्ति को ध्यान में रख के जो है नवीन विधियों को तैयार किया गया है, तो इनका प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। तो छात्र केंद्रित जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए हम जो है आजकल स्कूलों में देखते हैं डिस्कशन है, जिससे कि बच्चे जो है वो अपनी जो भी थॉट होती हैं उनको निकाल कर बाहर करते हैं। ठीक है, जो भी उनके माइंड में चल रहा होता है, किस तरीके से कोई चीज तैयार करनी है, वो सब एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। प्रोजेक्ट दिया जाता है जिससे बच्चे खोज करते हैं, टीम टीचिंग होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है जिससे नई नई जो है बातें सामने निकल कर आती हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं प्रयोग करके देखते हैं जिससे ये अनुभव जो है वो आगे जाके काम में आए। छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। शिक्षक की भूमिका जो है वो यहाँ कैसी होती है? केवल सुविधादाता की होती है। यदि किसी भी चीज में परेशानी आ रही है तब वह जो बालक है वो शिक्षक से हेल्प ले सकता है। तो यहाँ पर टीचर की भूमिका कैसी है? फैसिलिटेटर की है। ठीक है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो है वो ये कहते हैं कि अब जो है टीचर जो है उसका रोल कैसा होना चाहिए? एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद देखिए आनुभाविक अधिगम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है ये सिद्धांत, एक्सपेरियंशियल लर्निंग। इस सिद्धांत के प्रवर्तक डेविड ए कॉल्व और रोजर फाई को माना जाता है। तो ये सिद्धांत जो है वो मानवतावाद पर आधारित है। तो सिद्धांत का नाम ही है, इससे ही पता चल रहा है कि किस तरीके से सीखना है, अनुभव के द्वारा सीखना है। और जब भी किसी कार्य को अनुभव के द्वारा जो है जो कार्य हम सीख लेते हैं तो वह लंबे टाइम तक जो है वो स्थायी रह जाता है। ठीक है, और आगे जो भी सिचुएशन आती है तब हम उसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव के द्वारा हमने उसे सीख लिया है जो कि नहीं मिटता। रॉजर्स के अनुसार अधिगम दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संज्ञानात्मक अधिगम, जो कि हमारे संज्ञान से संबंधित होता है, हमारी इंद्रियों से संबंधित होता है।
तो ये कुछ समय तक संज्ञान में रहता है, ये जो सीखना है वो कुछ समय तक संज्ञान में रहता है। तो हमें जो है कोई भी चीज नई जब सिखाई जाती है तो हम अपने आँख कान इनका प्रयोग करते हैं, तो हमारे माइंड में उच्च समय जो है वो चीज आ जाती है और हम सीख जाते हैं। लेकिन यदि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारे संज्ञान से जो है वो लुप्त हो जाएगी। तो ये कुछ समय तक संज्ञान में रहता है, जबकि रॉजर्स ने जो अधिगम का दूसरा प्रकार बताया अनुभवजन्य अधिगम, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ठोस अधिगम होता है और जो कैसा होता है स्थायी होता है, क्योंकि यह करके सीखने पर आधारित है। इसमें जो अधिगम करता है वो करता है उस कार्य को और वह सीखता है, और किया हुआ कार्य जब वो सीखता है तो वह लंबे टाइम तक रहता है। अनुभव के प्रयोग से जो है ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो ये जो दो प्रकार हैं ये याद रखिए, रोजर फाई के अनुसार अधिगम कितने प्रकार के थे, क्या संज्ञानात्मक अधिगम का प्रकार बताया और अनुभवजन्य अधिगम प्रकार बताया, ठीक है। एग्जाम में जो है इनके प्रकार जो है वह पूछे जा सकते हैं। आनुभाविक अधिगम कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। आनुभाविक अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने, छानबीन करने, प्रयोग करने, जिज्ञासु बनने, समस्याओं को समाधान करने, जिम्मेदारी उठाने, सृजनात्मक बनने, अर्थ की संरचना के लिए सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक अधिगम होता है। तो यहाँ पर इसके दौरान छात्रों से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका वो खुद आंसर देते हैं, छानबीन करने के लिए, खोज करने के लिए कहा जाता है, प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो ज्ञान है वो उनके दिमाग में स्थायी हो जाता है। जब वो विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं और तो उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है उसका भी विकास होता है। छात्रों को मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक तथा शारीरिक रूप से सम्मिलित इसमें किया जाता है। उसके बाद देखिए डेविड ए कोल्ब ने अनुभवजन अधिगम को जो है चार भागों में बांटा, तो चारों के नाम आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है साक्षात अनुभव या ठोस अनुभव। जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से जो है करते हैं यानी उसका जो है साक्षात अनुभव लेते हैं, फिर हम उसके बारे में क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, सोच विचार करते हैं कि हमने जो है जो प्रत्यक्ष अनुभव लिया था, ठोस अनुभव लिया था, तो उसमें क्या कमियां रही, क्या फायदे रहे, ठीक है। थर्ड जो है फिर हम उसके बारे में जो है क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, अमूर्त संकल्पना बनाते हैं अपने माइंड में, ठीक है, अमूर्त अवधारणा निर्माण जो है वो करते हैं। और फिर जब भी कोई नवीन परिस्थिति आती है तो हम उसमें जो है टेस्ट करके उसको देखते हैं, परीक्षण करके देखते हैं। तो ये जो चारों भाग हैं अनुभवजन्य अधिगम के, ये किसने बताए हैं, डेविड कोल्ब ने बताए हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ठोस अनुभव होता है। ठोस अनुभव यानी कि जैसे कि ये दो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं इस तरीके से, जहां पर ये जो गेम सभी ने खेला होगा, जहां पर एक जो यहाँ सीट होती है इस पर एक बालक बैठ जाता है और दूसरी सीट पर दूसरा, ठीक है, और ये अपने वजन को जो है ऊपर उठाता है तो ये नीचे हो जाता है, इसी तरीके से ये अगर वजन डालता है तो ये ऊपर हो जाता है, इस तरीके से गेम होता है। यानी इन बच्चों ने क्या किया, ठोस अनुभव लिया, प्रत्यक्ष अनुभव लिया। अब इसी गेम को जो है जब वो घर आते हैं तो घर आकर जो है जब अपने कंप्यूटर में देखते हैं इसी गेम को, तो इसके बारे में क्या करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं और सोच विचार करते हैं। कई बच्चे जो हैं इसकी में इसमें क्या कमियां रही, क्यों जो है एक पलड़ा जो है वो नीचे रहा, क्यों एक पलड़ा जो है वो ऊपर रहा, इसके बारे में लिखते हैं और सोच विचार करते हैं, ठीक है। तीसरी जो यहाँ पर जो भाग था वो था अमूर्त संकल्पना या निर्माण। तो इसके बारे में वो इस तरीके से एक कल्पना का निर्माण करते हैं अपने माइंड में, प्लानिंग करते हैं। वो ये देखते हैं कि जो ये सोचते हैं कि ये जो एक पलड़ा है यहाँ पर यदि 3 बार जो है रख दिए जाएं और यहाँ पर एक भारी बांट रख दिया जाए फिर भी ये बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो वजन है इसके वजन के बराबर है तो बराबर रहेगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। यदि इसमें से एक जो यहाँ पर बांट है इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये जो है पलड़ा ऊपर हो जाएगा। ऐसी जो है माइंड में वो क्या करते हैं, अमूर्त संकल्पना बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जो है जो भी नई परिस्थिति आती है तो इसको करके देखते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। तो ये जो बच्चा है क्या कर रहा है, इसको जो है इतना वजन का जो है सामान जो है वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है। तो अब जो है ये क्या कर रहा है, ये जो एक साइड जो है यहाँ पर इतना वजन जो है वो प्रेस कर रहा है खुद का कि ये जो सामान है वह ऊपर ज्यादा ऊपर ना रहकर इसके बिल्कुल इक्वल आ जाए, ठीक
ठीक है, तो जो ठोस अनुभव इसने लिया था खेलते वक्त, इसे जो है वह कार्य करने में नई परिस्थितियों में परीक्षण करके करता है। तो यही चीज जो है डेविड एकोल्फ के द्वारा बताई गई है। तो ये चारों जो भाग हैं ये आप ध्यान में रखिएगा। अनुभवजन्य अधिगम हेतु प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो जो हमने चारों भाग देखे डेविड एकोल्फ के अनुसार देखा, और दूसरा जो हमने देखा रोजर फाई के अनुसार जो संज्ञानात्मक अधिगम अनुभवजन्य अधिगम देखा, ठीक है, और डेविड कोल्ब के अनुसार जो है ठोस अनुभव निरीक्षण सोच विचार अधिगम देखा, अमूर्त अधिगम देखा, इसके अलावा जो है हमने नई परिस्थितियों में जो उसका परीक्षण देखा। तो ये जो चारों भाग है वो यहाँ पर जो भी विधियां हैं यहाँ पर अप्लाई होते हैं। खेल विधि जो है इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, ठोस अनुभव लेते हैं, बच्चा जो है उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से जो है करके देखता है, उसके बारे में सोच विचार करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है कल्पना का निर्माण करता है, और जो भी नई परिस्थितियां आती हैं तब उस गेम को दोबारा से खेल सकता है। पर्यटन विधि में भी जो है अनुभवजन्य अधिगम काम में आता है। समस्या समाधान विधि में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को जो है सबसे पहले हम उसमें क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में सोचते हैं, उसके कारण जानते हैं, उसके बाद जो है उसके बारे में हम क्या करते हैं सोच विचार करते हैं, अमूर्त जो धारणा है वो बनाते हैं माइंड में, ठीक है, और उसके बाद हम उसके समाधान की तरफ जाते हैं। और फिर अगली बार जो भी हमारे सामने इस टाइप की समस्या आती है तो हम जो पुरानी जो हमने जो भी सोच विचार किया था उसको वहां पर अप्लाई कर देते हैं। प्रायोजना विधि यहाँ पर भी अनुभवजन्य अधिगम की ये प्रमुख विधि रही है। अनुसंधान विधि यह भी है। तो यहाँ पर ये जो पांचों विधियां हैं इसमें अनुभव के द्वारा जो है सीखा जाता है, ठीक है, और ये सभी जो हैं कैसी विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। तो देखिए हमने अधिगम का अर्थ प्रकार और अधिगम के सिद्धांत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा देख लिए हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत जो दिए गए वो सभी पढ़ लिए हैं। इनको बार बार रिपीट करिएगा तो ये याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अधिगम का स्थानांतरण, ये आपकी सेकेंड यूनिट ही है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो क्या होता है अधिगम का स्थानांतरण? तो इसका अर्थ है कि जब एक परिस्थिति में जो भी ज्ञान सीखा होता है या आदत है कौशल है, जब उनका प्रयोग हम दूसरी परिस्थितियों में करते हैं, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान आदत कौशल का जब दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही फेमस परिभाषा है अंडरवुड की, वर्तमान क्रियाओं पर, वर्तमान की जो भी क्रियाएं हैं इन पर पूर्व की क्रियाओं का प्रभाव ही क्या है, अधिगम स्थानांतरण है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले जो है प्रकार है इसका धनात्मक स्थानांतरण, जिसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर भी कहते हैं। तो जब एक कार्य या कोई सीखा हुआ ज्ञान दूसरे कार्य को सीखने में हेल्प करे, हेल्प करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान जो है वो दूसरी जगह काम आए, जैसे कि साइकिल चलाना यदि आपको आता है तो आप स्कूटी जो है वो जल्दी से सीख जाओगे, क्योंकि साइकिल जब आपने चलाई थी तो बैलेंस करना जो है वो आपको आ गया था, ठीक है। उसी तरीके से जो है स्कूटी जब आप चलाने लगे तो बिल्कुल साइकिल की आपको याद आई, किस तरीके से जो है मैंने अपने आप को जो है वो बैलेंस किया और इस तरीके से अच्छे तरीके से मैं चला सका। तो स्कूटी जो है वो बहुत जल्दी आप सीख जाओगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा जो स्थानांतरण है वह है नकारात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर। तो जब एक कार्य या कोई विषय उसका सीखा हुआ ज्ञान दूसरे कार्य या विषय को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। पहले में हमने क्या देखा था कि जो हमने सीखा तो वह हमारी हेल्प कर रहा है आगे किसी भी कार्य में, अब क्या है उसका अपोजिट है कि जो हमने पहले सीखा था तो वो अब जब हमारे सामने कोई नई परिस्थिति आ गई तो वही चीज जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है। जब एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह पर क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए हिंदी टाइपिंग जिसको आती है, तो हिंदी टाइपिंग वाले के सामने यदि इंग्लिश टाइपिंग जो है करने को दे दी जाए तो उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, कठिनाई वो महसूस करेगा और उसके सामने बाधा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हिंदी टाइपिंग जो है उसमें अलग शब्द हैं और इंग्लिश में अलग वर्ड हैं,
ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग के सामने जो है इंग्लिश टाइपिंग काम नहीं आती है, बल्कि क्या करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी। उसके बाद देखिए शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर, तो यहां पर क्या है, यहां पर अधिगम जो है उसकी अनुपस्थिति रहेगी, क्योंकि जब एक स्थान का सीखा गया ज्ञान वर्तमान में या दूसरी जगह काम ही ना आए, पूर्व ज्ञान पर जो है, पूर्व ज्ञान का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े वर्तमान ज्ञान पर, तो इसे अधिगम की अनुपस्थिति भी कहेंगे। जैसे अब इंजीनियर की एजुकेशन है, उसका डॉक्टर की एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दिशा ही अलग है। ठीक है, तो जब एक कार्य या विषय का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे कार्य या विषय को सीखने में ना तो हेल्प करे ना ही बाधा उत्पन्न करे, तो उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, द्विपार्श्वीय स्थानांतरण, यानी जब एक हाथ से किया हुआ कार्य दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाए। मान लीजिए जब आपके दाएं हाथ जिससे आप लिखते हैं और उसमें चोट लग गई है, तो क्या होगा, अब आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, आपका जो बायां हाथ है उसका प्रयोग करेंगे और आप उससे जो है वो थोड़ा बहुत लिख भी पाएंगे। तो यहां पर दाएं हाथ का जो ट्रांसफर है वो बाएं हाथ में हो गया। तो एक हाथ जो है आपका जो दाहिना हाथ है उसके द्वारा जब कुछ सीखा जाता है तो उसका प्रभाव जो है वो बाएं हाथ से सिखाने पर भी पड़ता है। ठीक है, जब हम दाएं हाथ से लिखते हैं तो यदि हम चाहें तो बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दर्पण आरेख प्रयोग की सहायता से द्विपार्श्वीय स्थानांतरण को सिद्ध किया गया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब शरीर के एक हिस्से के द्वारा सीखा गया ज्ञान है, आदत है, कौशल है, उसको धीरे धीरे शरीर का दूसरा हिस्सा जो है वह खुद ही सीख लेता है। ठीक है, और ये पता कब लगता है, जब हमारा जो एक हिस्सा है वो जब काम करना बंद कर दे, तो हमें जब दूसरे हाथ की जब जरूरत पड़ती है तो धीरे धीरे जो है जो बालक है अधिगम करता है वो धीरे धीरे दूसरे हाथ से भी लिखना शुरू कर देगा। उसके बाद देखें अनुलंब अंतरण या लंबात्मक अधिगम स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर, तो इस स्थानांतरण को हम ऊर्ध्व स्थानांतरण भी कहते हैं। तो जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब उसका प्रयोग उससे अधिक उच्च परिस्थितियों में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है वो सीधे ही कार चलाना जो है वह सीख गया, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। गैने जो है इस चीज को बिल्कुल मानते हैं, गैने ने जो अधिगम का प्रकार बताया, जो कैसा बताया, सीढ़ी नुमा बताया, ऊपर की ओर जो है सीधा जाता है, इस तरह के अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने के समान की प्रक्रिया माना। बालक को देखिए भाग सिखाने के लिए पहले जो है उसे एडिशन सिखाया, फिर उसे सब्सट्रैक्शन सिखाया, फिर उसे मल्टीप्लाई सिखाया और उसके बाद डिवाइड सिखाया। तो यहाँ पर बालक जो है वह सीढ़ी नुमा जो आकृति होती है उस तरीके से जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने एक और दिया है कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है वो सीधे कार चलाना भी सीख सकता है। तो यहाँ पर जो किसी भी परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान है, आदत है, उसका प्रयोग जो उससे अधिक उच्च परिस्थितियों में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें समस्तर अंतरण अधिगम स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ठीक है, इससे पहले वाला जो ट्रांसफर था वो कैसा था, अधिगम का ट्रांसफर वो था वर्टिकल, उधर्व, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है, यानी कि इस अंतरण में सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तरीय कौशल को सीखने में होता है। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जो है उसका प्रयोग जब उसी के जैसी मिलती जुलती समान परिस्थितियों में किया जाता है तो उसे ही हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो है एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब मैथ जो है सब्जेक्ट, इसकी जो है यदि हमें सामान्य जानकारी है तो इसके आधार पर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, इनको संचालित तो कर सकता है, उसका प्रयोग जो है वह अपने जो आर्थिक उसकी गतिविधियां हैं उसमें कर सकता है यदि वह मैथ की जानकारी रखता है। तो जब वो बाजार जाता है तो वहां पर उसका मैथ ही काम आता है, कोई चीज कितने रुपए की है,
कितने केजी की है, तो ये सब उसके मैथ सब्जेक्ट की वजह से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, यानी जो मैथ हमने स्कूल में सीखा, और उसी के जैसी मिलती जुलती समान परिस्थिति, यानी कि बाजार में यदि हम मार्केटिंग करते हैं, वहां पैसों का लेन देन हम करते हैं, तो वहां पर वो काम आता है। तो इसे ही हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहा जाता है। और भी एग्जाम्पल देखिए, खेती का टॉपिक जो है वो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री एग्रीकल्चर में भी सीखते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो वहां पर हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है ये भी जो है हमारे काम में आता है, ज्योग्राफी भी हमारे काम में आती है, हिस्ट्री एग्रीकल्चर भी हमारे काम में आता है। ठीक है, जब हम यदि गेहूं खरीदने गए, ठीक है, तो गेहूं जो है यदि हमें मैथ की जानकारी है या हमें इकोनॉमिक्स की जानकारी है, ठीक है, तो हमें उसकी आर्थिक जो स्थिति है उसका पता है। ज्योग्राफी यानी कि हमें ये पता है कि इस क्षेत्र में जो है गेहूं हमें किस तरीके का मिलेगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर यानी हमें खेती के बारे में पता चलेगा कि कौन सा गेहूं जो है वो किस तरीके का है, उच्च कोटि का है या निम्न कोटि का है। तो इस तरीके से एक दूसरे को मदद करते हैं। जब सीखा हुआ कौशल का अंतरण जो है समान स्तरीय कौशल में होता है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखिए खेती का टॉपिक हम जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि गेहूं के बारे में यदि हम देखें तो इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में क्या हिस्ट्री जो है कहती है गेहूं के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी हम पढ़ते हैं। तो एक चीज को हम जो है, जो भी हमने एक चीज सीखी है, उस कौशल का जो है अंतरण जो है समान स्तरीय कौशल को सीखने में भी होता है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखी कि अधिगम का स्थानांतरण जो है कितने प्रकार का होता है। एक तो हमने सकारात्मक स्थानांतरण देखा, जब एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान जो है वो दूसरी जगह काम आए। तो हमने साइकिल का उदाहरण लिया कि जब साइकिल हमें आती है तो स्कूटी हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं। फिर दूसरा हमने देखा नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक स्थान पर सीखा ज्ञान दूसरी जगह पर कोई काम नहीं आए। ठीक है, तब हमने हिंदी टाइपिंग वाला जो है एग्जाम्पल देखा कि हिंदी टाइपिंग वाला जो है यदि उसको इंग्लिश टाइपिंग उसके सामने आ जाती है तो उसको क्या होता है, डिफिकल्टी महसूस होती है, बाधा जो है वह उत्पन्न करता है हिंदी टाइपिंग। शून्य स्थानांतरण जीरो ट्रांसफर क्या था कि जब एक स्थान का सीखा गया ज्ञान जो है वह वर्तमान में किसी भी तरीके से ना तो बाधा उत्पन्न करे ना ही कोई फायदा उत्पन्न करे। ठीक है, तो वो क्या था, जीरो ट्रांसफर था। तो वहीं पर हमने उसका भी एग्जाम्पल देखा था कि यदि कोई इंजीनियर जो व्यक्ति करता है तो उसका डॉक्टर जो एजुकेशन लेता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक दूसरे का। ठीक, क्योंकि दोनों की जो दिशाएं हैं वो अलग हैं। वहीं हमने द्विपार्श्वी स्थानांतरण देखा कि जब एक शरीर का अंग जो कोई भी कार्य को सीखता है, यदि वह उस वक्त हमारा अंग काम ना कर रहा हो तो जो दूसरा जो अंग है उसमें वो चीज ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे उससे वो कार्य किया जा सकता है। उसके बाद मैंने लंबात्मक अधिगम स्थानांतरण की बात की थी, वर्टिकल ट्रांसफर की, जिसमें मैंने गेने ने जो कहा था कि जो भी सिखाना चाहिए वो सीढ़ी नुमा सिखाना चाहिए, यानी कि पहले सरल से दिख सिखाना चाहिए बच्चे को, उसके बाद जटिल। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है अधिगम ट्रांसफर होता है। जैसे कि डिवाइड हमने जो है सिखाना है बच्चे को, तो सबसे पहले एडिशन सिखाएंगे, जोड़ सिखाएंगे, फिर घटाना सिखाएंगे, फिर हम गुणा सिखाएंगे, और उसके बाद अंत में डिवाइड जो है भाग जो है वो सीख जाएगा। फिर हमने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर की बात की थी, समस्तर अंतरण अधिगम स्थानांतरण की। तो वहां पर भी यही था कि जो हमने आज सीखा है वैसा ही हमें समान परिस्थिति जो है वो आगे मिल जाए, समान स्तरीय कौशल को सिखाने में वो चीज काम आती है। ठीक है, जो हमने पूर्व में सीखा था वैसी ही सेम टू सेम परिस्थिति यदि आ जाती है सामने तो हम उसको कर सकते हैं। अब देखिए अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व या ग्राफ्स। तो अधिगम वक्र जो है वह क्या होता है, अधिगम की मात्रा, प्रभाव और क्षमता को यदि हम किसी रेखा चित्र पर, ग्राफ पर, सारणी पर, आरेख पर यदि हम प्रदर्शित करें तो इस प्रक्रिया को ही हम अधिगम वक्र कहेंगे। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया की गति को दिखाने वाली जो रेखा है उसी को अधिगम वक्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी अधिगम की मात्रा है उसको यदि हम रेखा चित्र के द्वारा दिखाएं, ग्राफ के द्वारा दिखाएं या सारणी के द्वारा दिखाएं
या आरेख के द्वारा दिखाएं या किसी भी माध्यम से हम प्रदर्शित करें तो उसको अधिगम वक्र कहेंगे। अधिगम वक्र के बारे में सर्वप्रथम टर्मन एबिंग हॉस ने 1885 में बताया था। इंपॉर्टेंट लाइन है और आपके एग्जाम में ये आ चुकी है, हो सकता है आगामी जो परीक्षा हो वहां पर ये चीज दोबारा पूछ ली जाए। इसके इन्होंने जो है वो चार प्रमुख प्रकार बताए। सबसे पहला देखिए सरल रेखीय वक्र, इसका आकार जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा के समान होता है, यानी कि यहाँ पर जो सीखने की गति है वो बिल्कुल कैसी होती है, सीधी होती है, सीखने की मात्रा जो है वो समान है और निरंतर बनी रहती है, ठीक है। तो इस अधिगम वक्र को जो है रेखीय त्वरण वक्र भी कहा जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये तो जो प्रकार ये कह रहा है कि जो सीखने की गति है वो निरंतर है, लेकिन क्या वास्तव में निरंतर होती है? नहीं, वास्तव में सीखने की गति जो हर समय एक समान नहीं रहती है, क्योंकि अधिगमकर्ता के ऊपर उसका शारीरिक, उसका जो संवेगात्मक है, मानसिकता जो है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। वह किस कंडीशन में हर समय एक जैसी, हर समय जो है एक जैसी कंडीशन में वो नहीं रहता है। तो ये जो सीखने की जो गति है, स्पीड जो है, वो कभी तेज भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो इस प्रकार अधिगम का वक्र जो है वो सरल रेखीय तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हमें इसके प्रकार में याद रखना है कि सरल रेखीय वक्र जो है वह क्या होता है, जहां पर हमेशा ही सीखने की मात्रा जो है समान होती है और निरंतर बनी रहती है। उसके बाद देखें उत्तोदर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व, तो ये क्या होता है, जिसे हम ऋणात्मक त्वरित वक्र भी कहते हैं। तो प्रारंभ में तो सीखने की गति जो है इस वक्र में जो है वो तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है, लेकिन जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो है इसकी गति जो है वो धीमी होती जाती है, ठीक है। और अंतिम समय कैसा होता है? पठार जैसा हो जाता है। तो इस वक्र का अंतिम भाग जो है वो पठार की आकृति का हो जाता है। तो यहां हम लगा सकते हैं कि जो छोटा बालक होता है तो उनकी जो सीखने की गति है, स्पीड जो है वो बहुत तेज होती है, बाल्यावस्था वहां पर भी बहुत तेज होती है, ठीक है। किशोरावस्था में अत्यधिक तीव्र होती है। उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वहां पर जो सीखने की गति है वो ऑटोमेटिक जो है वह धीमी होती चली जाती है, और अंत में जो अंत की स्थिति जो होती है वहां पर जो है इसकी आकृति बिल्कुल पठार के समान हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखेंगे कि उत्तोदर वक्र में पहले जो है सीखने की गति कैसी होती है? तीव्र होती है। वहीं पर नतोदर या अवनोतर वक्र, कॉनकेव जो कर्व है, इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति जो शुरुआत से काफी मंद होती है, बिल्कुल उत्तोदर का अपोजिट, ठीक है। अब इन दोनों को आप जो है वो मिलाएंगे नहीं, अलग अलग रखेंगे। वहां पर हमने उत्तोदर में क्या देखा था, प्रारंभ में जो है वो तेज थी, ठीक है, तेज थी, उसके बाद जो है वह धीमी हो जाती है। यहां पर नतोदर में जो है वह क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर जो सीखने की गति है वह कैसी है? धीमी है, ठीक है। और समय बीतने जैसे ही बीतता जाता है वैसे ही ये तेज हो जाती है इस तरीके से, परंतु समय के साथ ये काफी तीव्र हो जाती है और इसे हम धनात्मक त्वरित वक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर, इस वक्र के आधार पर ही बालक जो है वो कठिन पाठ को पहले सीखता है और जो कठिन समस्याओं का समाधान भी कर लेता है, और फिर उसके सामने जो भी समस्याएं आती हैं तो उनको वह बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें एस आकारीय या मिश्रित वक्र, मिक्स्ड कर्व। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है, मध्य भाव में फिर तेज हो जाती है और अंतिम भाग में पुनः मंद हो जाती है। तो इसे जो है लर्निंग वक्र कहते हैं और ये बिल्कुल सही जो है माना गया है प्रकार, एस आकारीय मिश्रित वक्र, क्योंकि व्यक्ति की स्थिति जो होती है, जो भी शारीरिक मानसिक मैंने आपको बताई, वो एक समान नहीं होती है। तो हमारे सामने जो वक्र बनता है वो एस आकार का ही बनता है, लेकिन आपको सभी जो प्रकार हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। सीधी जो सीधी रेखीय है, देखिए यहाँ पर मैंने अलग से बना दिया है, जो सरल रेखीय है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर सीखने की मात्रा जो है वो एक तो समान है और निरंतर बनी हुई है, जो कि संभव नहीं होता है, ठीक है, वास्तविकता में ये संभव नहीं है। दूसरा हमने देखा कि पहले जो है बहुत तीव्र गति होती है, उसके बाद धीमी गति होती है, ठीक है, तो ये संभव है। फिर हमने देखा नतोदर वक्र, जब हम किसी कठिन कार्य को करते हैं तो बहुत स्पीड से जो है उसको सीखने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे सामने जो सरल वस्तुएं या सरल चीजें आ जाती हैं तो हम उनको जो आसानी से सीख जाते हैं, तो तब जो है वो सीखने की गति भी धीमी हो जाती है। यहां पर जो लास्ट हमने देखा एस वक्र,
वास्तव में ये वक्र जो है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, इसे जो है सर्पिलाकार अधिगम वक्र जो है वह भी कहा जाता है। तो इस अधिगम वक्र में एक साथ जो है अधिगम का जो है उत्थान, अधिगम का पतन जो है वो प्रदर्शित होता है। इससे पहले तो अधिगम की मात्रा जो है इसमें तेज होती है, फिर इसमें जो है वो धीमी होती है, और उसके बाद जो है फिर तेज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो अधिगम वक्र के प्रकार देखे। हमने चारों प्रकार जो है बहुत अच्छे से देखे, सरल रेखीय, उन्तोदर वक्र, नतोदर वक्र और एस वक्र। इनको जो है अपने माइंड में छाप लें, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उन्तोदर और नतोदर इसमें ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको जो है इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए कि इस तरीके का ग्राफ जो है वो बनाकर दे दिया जाए और ऑप्शन चार दे दिए जाए, उन्तोदर, नतोदर, एस वक्र या सरल रेखीय वक्र। पूछा जाए कि ये कौन सा वक्र है, अधिगम का कौन सा वक्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये नतोदर वक्र है। तो यहां पर ये आपका जो अधिगम वक्र जो है ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए लास्ट है सीखने का पठार, लर्निंग प्लेट्यू। जब सीखने की गति रुक जाती है अर्थात तो उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है, तो यह अधिगम का पठार कहलाता है। तो अभी मैंने जो आपको अधिगम वक्र पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको जो उन्तोदर वक्र बताया कि एक सीमा के बाद जो है वक्र कैसा हो जाता है, पठार के जैसा हो जाता है, तो वो यही स्थिति है। और वो कब मैंने बताया, किशोरावस्था के बाद की जो स्थिति होती है वो इसमें आ जाती है। अब इसके भी जो है कई कारण हो सकते हैं। कारण जो है वो शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता भी हो सकती है, मानसिक रोग भी हो सकता है, या इच्छा शक्ति जो उसमें कमी आ सकती है, ठीक है, रुचि का अभाव हो सकता है, बढ़ती हुई उम्र हो सकती है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बालक हो सकता है, ठीक है, या फिर जो एनवायरनमेंट है जो कि अच्छा वातावरण मिलना चाहिए उसका अभाव हो सकता है। बहुत सारी जो है प्रॉब्लम यहाँ हो सकती हैं। जो जहाँ सीखने के लिए यानी अधिगम प्राप्ति के मार्ग में जब आने वाली बहुत सारी बाधाएं, समस्याएं, कठिनाइयां, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। जब क्या हो जाता है, सीखना जो है वह उसकी गति जो है वो रुक जाती है, ना तो वह ऊपर की तरफ जाती है ना वो नीचे की तरफ जाती है। तो अधिगम पठार जो है इसके प्रतिपादक जो है सैमुअल किर्क को माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां आप जो है वो नोट कर लेना, सैमुअल किर्क। इस वक्र में निम्न चरण होते हैं, स्लो लर्निंग, बढ़ता हुआ रिटर्न, पठार, उच्चतर प्रवीणता और अधिक अधिगम। तो सीखने का पठार जो है वो कब बनता है, जब लर्निंग जो है स्लो होती है यानी धीमी होती है, बढ़ता हुआ रिटर्न होता है, पठार होता है, उच्चतर जो है वो प्रवीणता होती है और अधिक जो है वो अधिगम होता है। ठीक है, तब ये स्थिति होती है, तो तब ये इस तरीके का वक्र बनता है। तो पठार के क्या कारण होते हैं, तो मैंने आपको बताया रुचि में कमी हो सकती है, प्रेरणा का अभाव हो सकता है, उम्र हो सकती है, शारीरिक सीमा या थकान हो सकता है, इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, उदासीनता, निराशा, जिज्ञासा, उत्साह में कमी हो सकती है। देखिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, पठार को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अधिगमकर्ता को प्रेरित किया जाए, ठीक है, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, तो वो किसी भी कार्य को सीखने के लिए आगे आएगा। सीखने की जो है विधियां जो हैं उसमें चेंजमेंट लाया जाए, तो हो सकता है जैसे ही आपने विधियां चेंज की तो वह उस चीज को सीखने के लिए तैयार हो जाए। नवीन प्रणालियों का उपयोग किया जाए और कार्य के बीच में जो है वो ब्रेक देना चाहिए, बीच बीच में जो है विश्राम दिया जाए। ठीक है, तो पठार को जो है दूर किया जा सकता है। तो ये देखिए ये क्या है, पठार के चरण है। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, स्लो लर्निंग है, ठीक है, सबसे पहला चरण। उसके बाद दूसरा चरण जो है वह क्या है, बढ़ता हुआ रिटर्न है। उसके बाद तीसरा जो है क्या है, पठार है। फिर उसके बाद जो है उच्चतर प्रवीणता है और लास्ट में है अधिक अधिगम। तो ये चरण है अधिगम के, पठार के, इस वजह से अधिगम पठार होता है। तो ये जो है आप ये पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पूछा जा सकता है सीखने के पठार के इसमें से निम्न में से चरण जो है वो नहीं है, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद देखें कक्षा कक्ष में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो वो कौन से कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं कक्षा कक्ष में। तो वहाँ अधिगमकर्ता से संबंधित जो कारक हैं, सबसे पहले है बुद्धि। अब हमने जो है इतना कुछ पढ़ लिया है अधिगम के बारे में, तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो उच्च स्तरीय बालक है तो वह चीज़ों को बहुत
अच्छे तरीके से और जल्दी उन चीजों को सीख जाता है, वहीं जो निम्न स्तर का बालक है, निम्न स्तर बुद्धि का बालक है, वह देर में सीख पाता है। और एक क्लास में दोनों ही बालक जो है वो मौजूद होते हैं। यदि टीचर जो है धीमी गति से जो है जो भी विषय वस्तु है उसको पढ़ाएगा, तो जो अधिक बुद्धिमान बालक है वो बोर महसूस करता है। वहीं पर कम बुद्धिमान बालक यदि तेज गति से पढ़ाया जाए तो वहां पर उसे समझ नहीं आएगा। तो ये कारक भी जो बुद्धि जो है वह भी प्रभावित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य है, यदि बालक जो है अधिगमकर्ता जो है यदि शरीर से स्वस्थ नहीं है तो वह नहीं सीख पाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि वह उस कार्य के लिए तत्पर ही नहीं है, तो हमने जो है अधिगम की थ्योरी में यह चीज पढ़ी थी, तत्परता का नियम। तो वो ये क्या कहता है, वो नियम कहता है कि यदि आपकी रुचि ही नहीं है, आप उस कार्य को करने के लिए तत्पर ही नहीं हो, तो आपको नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, यदि अभिवृत्ति या रुचि जो है वह नहीं है तो अधिगम कर्ता जो है उसको प्रभावित करता है कोई भी चीज को अधिगम करने में, सीखने में। अभिप्रेरणा बहुत ज्यादा जरूरी है, अभिप्रेरणा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम किसी चीज को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है उसे मोटिवेट करो। मोटिवेट करने पर उसे उसकी जो है अच्छाई बुराई हर चीज का पता चलता है, वह उस कार्य को करने के लिए आगे आएगा। ठीक है, तो अधिगमकर्ता से संबंधित ये कारक है जो कि प्रभावित करता है किसको, अधिगम को। अध्यापक से संबंधित कारक क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर टीचर जो है उसका शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है। टीचर जो है यदि अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, उसका शरीर ही उसके साथ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वहां पर बच्चों को क्या आएगी, कठिनाई आएगी। तो वहां पर बच्चे जो है अच्छे तरीके से अधिगम नहीं कर पाएंगे। उसका एटीट्यूड जो है वह भी प्रभावित करता है बच्चों को। ठीक है, यदि ऐसा जो टीचर बहुत ज्यादा खड़ूस हो, इस तरीके का बिहेव करे कि उसको केवल टॉपिक पढ़ाने से मतलब है, अपनी विषय वस्तु जो है उसे वह समाप्त करानी है। ठीक है, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि बच्चे जो है उससे कोई भी प्रश्न उनके दिमाग में आ रहा है तो उसको जो है दोबारा नहीं पूछ सकते डर की वजह से, तो यहाँ पर जो अधिगम जो है वो प्रभावित होता है। यदि टीचर को उस विषय का ज्ञान ही नहीं है, वाक चातुर्य, तो ये भी प्रभावित करता है। व्यवहार और व्यक्तित्व ये वही है, यानी उसका एटीट्यूड जो है, उसका व्यवहार, बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि बच्चे जो हैं वह कोई भी चीज़ यदि पूछते हैं तो टीचर जो है उनको जवाब में क्या देता है कि नहीं, इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, तो बच्चे डर की वजह से जो है वापस उस चीज़ को नहीं पूछते हैं और उस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। शिक्षण विधि जो है वह यदि अच्छी है तो अधिगम जो है वो सही तरीके से होगा। बच्चों के अकॉर्डिंग यदि विधियां जो हैं चेंज करके उनके अकॉर्डिंग जो है यदि पढ़ाया जाए तो वो अधिगम अधिक होगा। और यदि शिक्षण की विधि ही अच्छी नहीं है, बच्चे जो हैं पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, तो वहां पर बच्चों की गलती नहीं है, गलती वहां पर यह है कि टीचर जो है वो अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर टीचर हो चाहे जो अधिगम करता यानी कि बच्चे हो, सीखने वाले हो, यदि उन्हें मोटिवेट किया जाए तो भी प्रभावित करती है अधिगम को। ठीक है, खुद जो टीचर है वो खुद जो है वो मोटिवेट है हर चीज से, हर विषय वस्तु से, तो वह उस चीज को अच्छे से सिखा पाएगा, अधिगम करता उसे अच्छे तरीके से अधिगम कर पाएंगे। पाठ्य सामग्री से संबंधित कारक कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले व्यवस्थित। अगर कोई चीज व्यवस्थित तरीके से है, क्रमवत तरीके से है, सरल से जटिल की तरफ है, तो क्या होता है, अधिगम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। रुचिपूर्ण है, यानी कोई भी विषय वस्तु है, जहां हम एनसीईआरटी की यदि बात करें तो वहां आपको क्या दिखाई देगा, कहानियां। कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं, टॉपिक भी कंप्लीट होता है और उनका मन भी लगा रहता है। उसमें इतने अधिक जो है वो आप देखेंगे चित्र बने होते हैं, चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है जो कि रुचिपूर्ण लगता है, तो इससे भी अधिगम बहुत अधिक तेज गति से हो जाता है। सरल से कठिन की ओर यदि है तो ये महत्वपूर्ण कारक है किसी भी अधिगम के लिए। वातावरण से संबंधित कारक, तो वातावरण भी प्रभावित करता है अधिगम को। ठीक है, जहां पर क्लास का जो वातावरण यदि अच्छा है तो बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से अधिगम करेंगे। वहां का जो भौगोलिक वातावरण है, यदि बच्चा जो है जो भी चीज पढ़कर आया है घर में, यदि उसे रिपीट कराया जाता है, क्योंकि देखते हैं कि परिवार जो है वो सबसे पहला विद्यालय होता है बच्चे का। ठीक है, दूसरा विद्यालय कौन सा होता है, जिसमें बुक्स लेकर जो है उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पारिवारिक यदि वातावरण अच्छा है और जो भी स्कूल में उसको सिखाया गया है उसकी यदि रिवीजन जो है वो घर आकर की जाती है, उसको ऐसा माहौल मिल जाता है परिवार में कि वह उसे अच्छे तरीके से सीख सकता है। आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, यानी कि बच्चे के पास यदि प्रॉपर बुक ही नहीं है
तो यह भी प्रभावित करती है। सामाजिक सामाजिक स्थिति यदि उसकी अच्छी नहीं है तो भी वह अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सभी कारक थे जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इनको जो है साथ में ही याद करते चलिए, जिससे कि आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।